जब मैं इस जॉब के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे 20 मिनट पे 500 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 60 मिनट पे 900 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब लगभग आपका 1000 रुपया हो जाएगा अगर आप यहाँ पे एक घंटा काम कर लेते हो। दोस्तों आपको अगर एक वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब की तलाश है तो आपको मैं इस काम का एक डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो डेमो देख लीजिए कि काम क्या है, कितना सिंपल काम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको कुछ हिंदी की लाइंस दिखाई दे रही है बराबर। अब इन लाइंस को इन लोगों ने सिर्फ बोला हुआ है और रिकॉर्ड किया हुआ है। एक बार ये डेमो सुन लीजिए। तो दोस्तों इन लोगों को हिंदी अच्छे से आती है, इसीलिए इन लोगों ने हिंदी की लाइन को बोला है, रिकॉर्ड किया है और इस सिस्टम में अपलोड कर दिया है। आपको कोई भी लैंग्वेज अगर इंडिया की आती है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिंपली हिंदी का ही काम है, आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आती है आप यहाँ पे काम कर सकते हो उस लैंग्वेज में। आपको अप्लाई करने का तरीका मैं यहाँ पे बता दूंगा, सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल भी यहाँ पे काम कर सकती है और ये एक गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है जिसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। जितने घंटे की रिकॉर्डिंग आपकी होगी उतनी आपकी अर्निंग हो जाएगी, जिसको आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। काम गवर्नमेंट का है, आपको यहाँ पे पार्ट टाइम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे और ये काम आपको कहाँ पे मिलेगा, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में रहेगी, तो वीडियो में जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पर आप गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम जॉब कर सकते हो और आप फ्रेशर भी होना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की भी कोई ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। आप 10th पास भी होना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ या फिर जिनके पास एक दो घंटे हैं पूरे दिन भर में वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो वो लोग आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। काम आपका सिंपल रहेगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है आपकी खुद की लैंग्वेज में। तो आपको कौन सी भी लैंग्वेज आ रही है ना तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या फिर किसी और लैंग्वेज में बोलना है, आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में बोलना होता है और उसे रिकॉर्ड कर लेना होता है और उस रिकॉर्डिंग को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके साथ साथ जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको एक नोटपैड में लिख देना है और नोटपैड की फाइल भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इतना सिंपल आपका यहाँ पे काम रहेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो दोस्तों जॉब बहुत ही आसान है और एक गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है और पार्ट टाइम में काम कर सकते हो। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वीडियो में जरूर बने रहिए। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाते ही रहता हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये है वो वेबसाइट जहां पर आपको जो काम है ना वो मिल जाएगा, respine.iisc.ac.in इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्यों है ये सबसे पहले जान लीजिए। इस वेबसाइट के एकदम बॉटम में आप जाएंगे तो यहां पे आपको भारतीय विज्ञान संस्थान का लोगो दिखाई देगा, बराबर। और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है स्पायर लैब्स इस कंपनी ने। स्पायर लैब ने भारतीय विज्ञान संस्थान से टाई अप किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। और जो प्रोजेक्ट है वो है, देखिए, स्पीच रिकग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट है उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है ना ये कंपनी कर रही है, स्पायर लैब्स, जिसने भारतीय विज्ञान संस्थान से टाई अप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है इंग्लिश में, जो कि मैंने आपको हिंदी में समझाया। देखिए, 9 इंडियन लैंग्वेजेस कंसिडर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट आर, तो जो 9 भाषाएं हैं वो कौन सी है, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ा, मगधी, छत्तीसगढ़ी एंड मैथिली। तो ये 9 भाषाएं हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं वैसे तो, पर यहाँ पे वो लिस्टेड नहीं है। जहाँ पे जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस थी ऑलरेडी, ठीक है। और आपको भी वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगी अलग अलग लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करने का। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहारी लैंग्वेज नहीं है, पर बिहारी लैंग्वेज में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। इस जॉब को आपको कैसे यहाँ पे ढूंढना है, सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग्स का सेक्शन जो है ना वो आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको है ना व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। व्यू ऑल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो जनरल ओपनिंग्स का है ना सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें स्पीच रिकॉर्डिंग का काम जो है ना वो फिलहाल अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी के जॉब्स थे पहले जिनके ऊपर आप काम कर सकते थे वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम में, पर अभी वहाँ पे जो काम है ना वो आना बंद हो चुका है, मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिलहाल तो यही प्रोजेक्ट रिमेनिंग है।
सेंटेंस कंपोजिशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन और लैंग्वेज एक्सपर्ट के जो प्रोजेक्ट थे वो अभी खत्म हो चुके हैं, उनका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है और अभी फिलहाल स्पीच रिकॉर्डिंग का काम बाकी है जिसके ऊपर आप काम करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल जो है ना वो ओपन हो जाएगी। अगर आप मोबाइल से इसको ओपन कर रहे हैं तो आपको ऐसा पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा एक अलग टैब में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जॉब की पूरी डिटेल दी गई है। देखिए, स्पायर लैब आईएससी हैज टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज टू स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन ASR। जॉब प्रोफाइल, स्पीच रिकॉर्डिंग्स इन योर लोकल डायलैक्ट। लोकल डायलैक्ट का क्या मतलब होता है? लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग करनी है स्पीच की लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। स्किल्स क्या होनी चाहिए? शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज। तो आप जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, मतलब आपकी जो नेटिव मातृभाषा जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज अ प्लस पॉइंट। अगर आपने किसी लैंग्वेज में डिग्री या फिर कोई कोर्स किया हुआ है ना, तो एक प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मस्ट हैव अ एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मतलब इस काम को करने के लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई वगैरह नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, आप अपने स्मार्टफोन से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें आपको इंटरनेट का एक रिचार्ज जो है ना वो होना चाहिए। अब सभी के मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज तो रहता ही है। अब देखिए, जॉब लोकेशन जो है ना, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर का मतलब होता है कहीं से भी आप काम कर सकते हो और अप्लाई भी कहीं से भी कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। अंडर ग्रेजुएट्स का मतलब क्या होता है? आपने 15th पास नहीं किया है, आप 12th पास हो, 10th पास हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएट्स मतलब 15th, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब 15th के आगे का क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपने अगर 12th पास किया है, 10th पास किया है तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो आप फ्रेशर होना तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो और एक्सपीरियंस पर्सन हो तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बेसिक रिन्यूमरेशन देखे दोस्तों, बेसिक रिन्यूमरेशन देखे दोस्तों, 900 rupees फॉर एवरी 16 minutes ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। देखे, जब मैं इस जॉब के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे 20 मिनट पे 500 rupees मिल रहे थे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 60 मिनट पे 900 rupees मिल रहे हैं, मतलब लगभग आपका 1000 rupees हो जाएगा अगर आप यहाँ पे एक घंटा काम कर लेते हो। तो एक आपके लिए बोनस के तौर पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, मुझे भी नहीं पता था। अभी जब मैं यहाँ पे सच में वीडियो बना रहा हूँ ना, तब मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि आपको यहाँ पे एक घंटा काम करने पर 900 rupees मिल रहे हैं। तो एक आपके लिए बोनस ही है। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए दोस्तों, काम क्या है, जो कि मैंने आपको हिंदी में समझा दिया था, ये सारा चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। देखिए, अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड टास्क विल बी रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फेमिलियराइज विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। तो एग्रीकल्चर, फाइनेंस और जनरल डोमेन्स के ऊपर टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको बोलना होता है अपनी खुद की लैंग्वेज में, और उसको सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा वो टॉपिक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर बोलना है, आपको स्पीच एक बनानी है और उस स्पीच को आपको रिकॉर्ड कर लेना है, और जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसको आपको एक नोटपैड में भी लिख देना है, ठीक है। यू हैव टू देन कन्वर्स, टॉक टू पीपल, मतलब आप ये स्पीच जो है ना वो बनाने के लिए आप अपने दोस्त से या फिर अपने रिश्तेदार से ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, और वही कन्वर्सेशन आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना होता है, ठीक है। इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज, तो आपको अपनी खुद की भाषा में वो सारा स्पीच जो है वो बोलना है। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद एक पायलट टास्क जो है ना वो कंप्लीट करना होगा। पायलट टास्क में सिंपली आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपको स्पीच करनी है, और उस स्पीच को देखिए दोस्तों आपको खुद की लैंग्वेज में बोलना है और वो रिकॉर्डिंग आपको भेज देनी है, ठीक है, और टेक्स्ट भी भेज देना है जो भी आप वहाँ पे स्पीच क्रिएट कर रहे हो। और उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। आपका रिज्यूम जो है ना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भेजा है और आपका पूरा डिटेल, और ये पायलट टास्क ये पूरा रिव्यू टीम चेक करेगी और उसके आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस यही है, और आपको अप्लाई कैसे करना है वो एक बार देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। अब आप मोबाइल से अगर करते हो ना तो शायद ये क्लिक नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई कंप्यूटर आपके दोस्त का है या फिर लैपटॉप आपके दोस्त का है तो वहाँ पे जाके ये आप काम कर सकते हो। सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होता है। आपको देखिए दोस्तों, वेबसाइट में कोई बटन नहीं दिया गया, ये पीडीएफ फाइल के अंदर ही लिंक जो है ना वो दी गई है। ये आपको एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग 2024, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो डालना है। मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ कि कैसा वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो सिंपली ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको ये पूरा फॉर्म जो है ना ओपन हो जाएगा। सिंपल डिटेल्स है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो भी चीज़ें हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो एक बार देख ही लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब आपका जो पता है वो डाल दीजिए, नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद कितने साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं, और उसके बाद फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना है। फिर से वही पूछा गया है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन द करंट प्लेस,
अगर आपका लोकेशन चेंज होता है तो चेंज लोकेशन जो भी है उसका आपको एड्रेस डालना है, मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज, तो आपका जो मातृभाषा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए दोस्तों डेजिग्नेशन, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसका आपको नाम डालना है कि कौन सा काम कर रहे हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है उसका नाम डाल दीजिए अगर आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक, तो आपको देखिए दोस्तों आपका बायोडाटा जो है ना वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करके ऑप्शन नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिंक डालने का जो प्रोसेस है ना वो सिंपल है। आप अपने गूगल ड्राइव में जाइए, वहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए और उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। लिंक शेयरेबल होना चाहिए, बस इतना ही आप ध्यान में रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप यूट्यूब कर दीजिए कि कैसे आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते किसी भी चीज़ को, उसका लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिए, सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों पैन कार्ड नंबर, देखिए दोस्तों गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड आईडी जो है ना वो डालना ही पड़ेगा। व्हाट अकॉर्डिंग डू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो बायोडाटा में आप अपने बारे में जो चीज़ें लिखते हो ना एक लाइन में, तो आप वहाँ पर ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जॉब आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है। प्लीज चूज द प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, तो आप इस काम को किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, अपनी मातृभाषा में ही करेंगे क्योंकि वही आपको अच्छे से आती है, तो आपकी जो भी मातृभाषा है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बंगाली, हिंदी, मैथिली, सैंतीली और अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, आपकी लैंग्वेज अगर इस लैंग्वेजेस में नहीं है तो सिंपली आप अदर क्लिक करके यहाँ पे अपनी लैंग्वेज का नाम डाल सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस, तो आपको ये काम कहाँ से करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब विच पिन कोड, तो आपको यहाँ पे पिन कोड अपना डालना है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री एनी मिस इंटरप्रिटेशन, तो आपको यहाँ पे ये यस कर देना है सिंपल। और इफ़ एनी कमेंट, तो आपको यहाँ पे कुछ कमेंट करनी है तो कर सकते हैं, पर ये एम टी ही रख दीजिए, ठीक है, एम टी रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू योर एड्रेस यू प्रोवाइडेड, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद ये फॉर्म जो है ना जो भी आपने फिलअप किया हुआ है ये रिव्यू टीम के पास चला जाएगा और इसकी एक कॉपी भी आपको ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है। सबमिट करने पर ये चीज़ सबमिट करने पर ये पूरा फॉर्म रिव्यू टीम को चला जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए दोस्तों आपको एक पायलट टेस्ट के लिए ईमेल आ सकता है, जहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको उसके ऊपर स्पीच करनी है और रिकॉर्डिंग करनी है और उसका टेक्स्ट जो है ना वो भी आपको वहाँ पर सबमिट करना है, और इन चीज़ों के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस और पायलट टास्क के बारे में भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन बचे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको टाइम निकाल के दे दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ अर्निंग कर ही लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ आप काम करने वाले हैं तो एक गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, पार्ट टाइम काम है। जिन लोगों का इंटरेस्ट है, आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ चुका है, वो आप अप्लाई कर दीजिए।